हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूँ मेरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का। आज हम बनाएंगे भतवे का रायता, तो चलो बनाते हैं। भतवे का रायता बनाने के लिए हमने भतवा ले लिया है, लगभग 100 ग्राम भतवा है और इसको अच्छी तरह है, इसकी डंठल है वो सारी निकाल दी है और जो ये पत्तियां पत्तियां हैं ये चोट के रख ली। इसको हमने 2-3 बार साफ पानी से अच्छी तरह धो लिया है क्योंकि भतवे में मिट्टी बहुत निकलती है, इसलिए इसको 3-4 बार अच्छी तरह धोना चाहिए तभी ये साफ होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको उबालेंगे। अब कढ़ाई में भतवा डाल देंगे, उसमें ज्यादा समय नहीं लगता है, 2-3 मिनट में ये एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। थोड़ा सा डाल देंगे पानी, अब इसको 2-3 मिनट बाद में संभालेंगे। 3-4 मिनट हो चुके हैं, अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे, ज्यादा नहीं उबालेंगे क्योंकि भतवा और पालक ये चीजें होती है एकदम कच्ची होती है, इसे ज्यादा नहीं उबालना चाहिए। और अब हम देखेंगे एकदम नरम है, अब इसको क्या करेंगे, पहले अच्छी तरह ठंडा होने देंगे। भतवा है ठंडा हो चुका है, अब हम इसको इसका पानी निकाल के इसको निकाल लेंगे, इस तरह हाथों की सहायता से इसका पूरा पानी निकाल देंगे। भतवे में हम कुछ नहीं डालेंगे, इसको निकाल लिया, भतवे को मिक्सी में पीस लेंगे। भतवे को हमने अच्छी तरह मिक्सी में दरदरा बारीक कर लिया है और 500 ग्राम ले लिया है दही। अब हम दही को आप ग्राइंडर मशीन से भी मिक्स कर सकते हैं, ऐसे रई होती है घर पे, इसकी सहायता से भी इसको मिक्स कर सकते हैं। दही के हिसाब से ही पानी डाले, ज्यादा पतला है तो कम डाले, यदि गाढ़ा दही है तो थोड़ा सा ज्यादा डाल सकते हैं। दही अच्छी तरह मिक्स हो चुका है, इस तरह का दही लिया है, न तो ज्यादा पतला है और न ही ज्यादा गाढ़ा। सबसे पहले इसमें डालेंगे हम भुना हुआ जीरा, साथ में बारीक हींग भी पीसी हुई डाल सकते हैं आप, और थोड़ी सी डालेंगे लाल मिर्च, थोड़ा सा डाल देंगे नमक और इनको करेंगे अच्छी तरह मिक्स। और इसमें मिक्स कर देंगे अब जो ये हमने भतवा लिया था, ये भतवे को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा लगाएंगे घी का तड़का, तो इसमें हींग और साबुत जीरे का हम तड़का लगाएंगे, इससे हमारा जो भतवे का रायता है बहुत स्वादिष्ट लगेगा, बहुत टेस्टी लगेगा। इनको मिक्स करके वो तड़का तैयार करते हैं। अब हमने हींग, थोड़ा सा घी और जीरे का तड़का तैयार कर लिया है रायता के लिए, ये इसमें डाल देंगे और इनको कर देंगे मिक्स। इस तरह भतवे का रायता जब आप बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, ये पूरी के साथ, रोटी के साथ, परांठे के साथ, किसी के साथ भी इसको बना के खा सकते हैं, बहुत हेल्दी भी रहता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।